इस शुभ कार्य के लिए आप सबकी जोरदार तालियां। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में जब भी सिनेमा की बात होती है तब मेरे मन में पहला विचार आता है कि जम्मू कश्मीर और सिनेमा को अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता है। दोनों एक ही हैं। हमारे देश में जब भी सिनेमा की चर्चा होती है तो उसमें जम्मू कश्मीर निश्चित तौर पर शामिल रहता है। मुझे लगता है कि यह एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है जो साल दर साल बढ़ती रही है, ग्रो करती रही है। यह सच है कि अन्य रिलेशनशिप की तरह सिनेमा और जम्मू कश्मीर के संबंध में ने भी तमाम उतार चढ़ाव देखे, अनेक चुनौतियां भी झेली हैं और दशकों तक अलगाव या मैं कहूं कि विरह का दंश भी झेला है। ये मेरा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो लोग भी कला संस्कृति के इस पावरफुल मीडियम से जुड़े हुए हैं वो इस संबंध की संवेदना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और वो ये भी महसूस कर सकते हैं कि क्यों राज कपूर या यश चोपड़ा जैसे महान फिल्ममेकर्स के लिए जम्मू कश्मीर मात्र शूटिंग डेस्टिनेशन नहीं बल्कि कल्चरल ऑर्गेनिज्म हुआ करता था। और इसलिए पिछले 5 वर्षों में ये कोशिश हुई कि जम्मू कश्मीर और सिनेमा के संबंधों को फिर से शिद्दत के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए अनेक प्रयास हुए। सिर्फ शूटिंग ही नहीं बल्कि सिनेमा थिएटर की संस्कृति को भी पिछले 4 वर्षों में पुनर्जीवित करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली। उसी कड़ी में जो 2021 में फिल्म पॉलिसी बनी थी, आज संशोधित नई फिल्म पॉलिसी 2024 का लॉन्च, फिल्म शूटिंग एवं सब्सिडी के लिए सिंगल विंडो पोर्टल का उद्घाटन, फिल्म स्क्रीनिंग सीरीज का लॉन्च, फोटोग्राफी कंपटीशन का लॉन्च और जम्मू कश्मीर 7 फिल्म मेकिंग के विजेताओं का सम्मान, आर्ट एंड कल्चर सेक्टर में वाइब्रेंट जम्मू कश्मीर के रिसर्जेंस का एक जीता जागता उदाहरण है। और तभी बशीर बद्र साहब की 2 लाइनें मैं कहूँगा, उसके लिए तो मैंने यहाँ तक दुआएं की, उसके लिए तो मैंने यहाँ तक दुआएं की, मेरी तरह से कोई उसे चाहता भी हो। इतनी सियाह रात में इसको सदाएं दूं, ऐसे चिराग दे जो कभी बोलता भी हो, ऐसे चिराग दे जो कभी बोलता भी हो। बड़ी शिद्दत से नए चिराग जलाने के प्रयास किए गए हैं। प्रशासन ने कोशिश की है कि 40 वर्ष पूर्व फिल्मों का जो वातावरण या 50 वर्ष पूर्व जो वातावरण था वो फिर से कैसे पुनर्स्थापित हो सके। आज इसलिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत हुई और उसके मिले जुले स्वरूप को फिल्म कॉन्क्लेव का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य फिल्म मेकर्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, सिनेमा प्रेमियों को एक छत के नीचे लाकर सिनेमा का उत्सव मनाना है और जम्मू कश्मीर में एक स्थायी फिल्म इकोसिस्टम का निर्माण करना है। मुझे विश्वास है यह फिल्म कॉन्क्लेव इन उद्देश्यों की पूर्ति के हमारे संकल्प को
नई ऊर्जा प्रदान करेगा तथा कोलेबरेशन, आइडिया ऑफ एक्सचेंज तथा फिल्म जगत के टैलेंट्स को यह सशक्त प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराएगा। मैं इस कॉन्क्लेव के केंद्र बिंदु शॉर्ट फिल्म मेकिंग कंपटीशन के विनर्स एवं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी भागीदारी ने नई उम्मीदों को जगाया है। मुझे याद है इस वर्ष की शुरुआत में जब मैंने स्थानीय फिल्म मेकर्स के लिए शॉर्ट फिल्म कंपटीशन का सुझाव इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दिया था, तब मेरे मन में इसके जरिए दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि चार वर्षों में जम्मू कश्मीर में हुए सकारात्मक बदलाव और विकास को क्रिएटिव तरीके से दिखाया जाए, और दूसरा उद्देश्य था यह जम्मू कश्मीर के फिल्म मेकर्स के लिए एक ऐसा अवसर बने जिससे वह सामाजिक आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विरासत के जुड़ाव यानी विकास और विरासत की खूबसूरती को समय में बांध सके। मुझे फिल्म मेकर्स के लिए कही गई एक पुरानी बात बहुत अच्छी लगती है कि वह स्वभाव से संरक्षणवादी होती हैं। उनके हर एक फ्रेम का उद्देश्य समय को प्रिजर्व करना होता है और समय के उस पल को अनंत काल तक जीवंत रखना उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। जम्मू कश्मीर उस फ्रेम का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर उस फ्रेम का हिस्सा हो और हमारी सांस्कृतिक विविधता फिल्म मेकर्स की क्रिएटिविटी द्वारा संरक्षित हो, ये मैं समझता हूँ इस आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इसके लिए पॉलिसी के स्तर पर भी चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू, सचिव सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन और बाकी हमारे अफसरों ने मिलकर के इस पर काफ़ी मेहनत की है। आज के फिल्म कॉन्क्लेव का महत्वपूर्ण आकर्षण जम्मू कश्मीर की संशोधित नई फिल्म पॉलिसी का अनावरण है। मुझे याद है अगस्त 2021 में कई महीने की मेहनत और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज हस्तियों के सलाह मशविरा के बाद एक पॉलिसी बनाई गई थी। पिछले 3 वर्षों में मैं कह सकता हूँ कि सैकड़ों फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग में इस पॉलिसी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन उस पॉलिसी में ईज ऑफ शूटिंग को लेकर कुछ गैप्स थे। एप्लीकेशन से लेकर सब्सिडी प्रोवाइड करने की प्रक्रिया में कुछ रोड ब्लॉक्स थे, जिसका इस नई पॉलिसी में पूर्णतया समाधान करने की कोशिश की गई है। आज के दौर में चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई और अन्य डेवलपमेंट सेक्टर हो, सभी सेक्टर्स में उद्यमी और प्रोफेशनल्स चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया सीमलेस हो, सरल हो, और इसलिए पुरानी पॉलिसी में संशोधन करते हुए जम्मू कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल में निहित बहुत से अधिकार सिंगल विंडो सेल को दे दिए गए हैं, ताकि फिल्म मेकर्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट उपलब्ध रहे, उन्हें शूटिंग की परमिशन और बाकी सुविधाएं हैसल फ्री तरीके से मिल सकें और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फिल्म मेकर्स फ्रेंडली, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और इफिशियंट हो सके। फिल्म मेकर्स के लिए सब्सिडी ग्रांट के पूरे प्रोसेस को भी अत्यंत सरल, व्यवहारिक और आकर्षक बनाया गया है, और इस पॉलिसी के माध्यम से वरिष्ठ और नए फिल्म मेकर्स दोनों को अपनी फिल्मों में जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को रुपहले पर्दे पर दिखाने का अवसर प्राप्त होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, ये हकीकत है कि जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता यूरोप के अनेक फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन से कई गुना बेहतर है, और इसलिए प्रशासन प्रयत्न कर रहा है यूरोपियन देशों से बेहतर फैसिलिटीज भी फिल्म मेकर्स के लिए बनाई जा सके, ताकि आने वाले भविष्य में जम्मू कश्मीर ग्लोबल फिल्म डेस्टिनेशन में अपनी उचित जगह बना सके। मैं मानता हूँ कि रीजनल सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली माध्यम है, और इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को
सभी सुविधाएं तथा इंसेंटिव देने का विशेष प्रोविजन किया गया है। मुझे विश्वास है इंटरटेनमेंट के साथ साथ रीजनल सिनेमा से जुड़े प्रोफेशनल्स सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाने में कामयाब होंगे तथा जम्मू कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री के विकास में भी अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। अगर इस पॉलिसी के बिंदुओं को ध्यान से आप देखेंगे तो यह फिल्म पॉलिसी फिल्म मेकर्स को लोकल टैलेंट्स हायर करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। मुझे यकीन है कि हमारे फिल्म से जुड़े प्रतिभावान युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार और फिल्मों में काम करके करने के अनंत अवसर भी उपलब्ध होंगे। फिल्म मेकर्स की सहूलियत के लिए विभिन्न कैटेगरीज की डायरेक्टरी भी बना दी गई है जिससे उन्हें हायरिंग में सुविधा मिल सके। आज फिल्म स्क्रीनिंग सीरीज का उद्घाटन भी किया गया है जिसके माध्यम से क्लासिकल और अभी हालिया रिलीज दोनों फिल्में दिखाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर केंद्रित फिल्मों को विशेष अवसर उपलब्ध कराया जाए ये उद्देश्य होगा। उसके पश्चात फिल्म मेकर से बातचीत भी होगी। इस पहल का उद्देश्य फिल्म मेकर्स और सिनेमा प्रेमियों के बीच आइडिया एक्सचेंज, नेटवर्किंग, फिल्म प्रोडक्शन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने का एक परमानेंट प्लेटफॉर्म तैयार करना है ताकि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा साथी जम्मू कश्मीर के इससे जुड़ सकें। मुझे बताया गया है कि फिल्म कॉन्क्लेव में जम्मू कश्मीर में फिल्म इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए विस्तृत पैनल डिस्कशन भी होंगे और मौजूदा चुनौतियों की पहचान और उन्हें एड्रेस करने का एक रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इंडस्ट्री प्रोफेशनल का इस दिशा में योगदान हमारे संकल्पों को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से फिल्म वर्कशॉप का भी पूरे दिन का आयोजन किया गया है जिससे स्थानीय फिल्म प्रोफेशनल्स तथा जम्मू कश्मीर के युवा टैलेंट्स को फिल्म मेकिंग से जुड़े विभिन्न विषयों को अपनी रुचि के हिसाब से सीखने का अवसर भी मिलेगा। फिल्म जगत के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना अलग महत्व है लेकिन 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कायाकल्प करने में सफलता मिली है जिससे भौगोलिक रूप से कनेक्टिविटी पहले से बहुत बेहतर हुई है। जैसा मेरे पूर्व बताया गया कि टूरिज्म ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है। विकास के हर एक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाएं जमीन पर उतर रही हैं और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। अगर डेमोग्राफी को आप देखेंगे तो मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर की 65% आबादी मोर देन 65% आबादी हमारी 35 साल 35 ईयर्स से कम की है और इसलिए मैं कह सकता कि आज का जम्मू कश्मीर युवा है, सपनों तथा आकांक्षाओं से भरा हुआ है, जोश से भरा है और मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि हर एक नौजवान के सपने पूरे हों इसके लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। फिल्म कॉन्क्लेव के साथ आज एक नई शुरुआत हुई है। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिल्म इंडस्ट्री के मित्रों को विश्वास दिलाता हूं कि प्रशासन की तरफ से आपको हर कदम पर हर प्रकार का पूरा सहयोग दिया जाएगा। आज मैं आपके बीच ये कहना चाहता हूं, कार्यक्रम के आयोजन में जिन साथियों ने मेहनत की है मैं उनके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अंत में मैं दो पंक्तियाँ कह के अपनी बात खत्म करूँगा कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, रहजन माने हाईवे रबर, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, ये होगा।